हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। अभी आपको मैं स्प्लेंडर दिखाने वाला हूँ, कैसी हालत में पहले वो दिखाता हूँ, फिर हमने जो कराया काम उसके अंदर वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है? स्टे ट्यून्ड गाइस। तो दोस्तों अपने पास आ रही है हीरो स्प्लेंडर, ठीक है जी। BS4 वाली बाइक रहने वाली है, ठीक है। BS6 नहीं है, कार्बोरेटर वाली है। इसमें हम बहुत तगड़े वाली को मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। सबसे मेन जो इसके अंदर हो रहा है ना, ये देखो भाई, इसके अंदर 3 पीस हैंडल लग रहा है जो यहाँ लगने वाला है दोस्तों। एकदम किलर मामला होने वाला है स्प्लेंडर के लिए, 3 पीस हैंडल, जो बात है दोस्तों। हमने बाइक जो है पूरी की पूरी डिसमेंटल कर ली है। देखो हैंडल बार यहाँ से निकाल लिया है, सारे के सारे क्लच लीवर वगैरह सब कुछ यहाँ पड़े हुए देख सकते हैं आप, ठीक है जी। पूरा खुला पड़ा ताम झाम इसका। बाकी पीछे तरफ चलें तो टैंक की कुछ ऐसी हालत मिलेगी आपको देखने को। बाकी टेप हटा रहे हैं हमारे लड़के, पूरी पूरी बाइक जो है डिसमेंटल कर दी है, देख सकते हैं आप कितनी पतली दुबली सी निकल रही है बाइक अपनी, देख सकते हैं आप। तो थोड़ी ही देर में इसकी काया पलट होने वाली है। हैंडल बार के पीस यहाँ पड़े हुए हैं, सीट कवर नया लगने वाला है, वहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है। तो ये सारा काम इसमें होगा, कुछ पेंट का काम भी होने वाला है। तो जो भी काम हो जाएगा वो आपको मैं दिखाता रहूँगा वन बाय वन, बाकी आप बने रहो वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों अभी क्या है कि ये बाइक हमारे पास आई थी काफ़ी देर से, एक बाल जो है लगा हुआ है टेप हटाने में, ये लगा लो टेप हट गई है, लेकिन जो गम इस तरीके से चिपका हुआ है इस पर कि पेट्रोल की समझ लो आधी बोतल खर्च हो गई है, और अभी भी पेट्रोल से ये हट नहीं रहा है। लगा करता रहे। थोड़े कहड़े वाले हाथ मार, तू भी तो एकदम ऐसे मार रहा है। हाँ थोड़ा टेढ़ा मुँह करके मार, थोड़ा दांत दबा के एकदम जान लगा दे, मतलब फुल शाबाश। तो सबसे मेन जो होता है टैंकी होता है भाई, इस पर ज़्यादा दिक्कत आती है। बाकी देखो क्या होता है, चक्कर क्या है, दिक्कत क्यों आती है, यही बता दूं आपको। क्या आप बोलोगे भाई वाइजर पे क्यों नहीं आती, साइड पैनल पे क्यों नहीं आती, मैं बताऊँ चक्कर क्या है कि इंजन है वो नीचे, और ऊपर से ऊपर है टैंक, तो नीचे से जो ऊपर हीट आती है ना, तो टैंक गर्म होता है। कभी आप चलाना 10-20 किलोमीटर फिर टैंक पर हाथ लगाना, गर्म हो रहा हो और टैंक, ठीक है। तो क्या होता है, जब गर्म होता है ना तो जो टेप के अंदर गम होती है वो पिघलने लगती है, और पिघल के अच्छे से चिपक जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर जब भी आप टेप कराते हो हमारी दुकान से या कहीं से भी, तो यार 8-9 महीने 10 महीने 1 साल के अंदर चेंज करा लिया करो। ये नहीं कि 2-2 साल चला रहे हो, ऐसा नहीं है यार। देखो टेप की केयर करोगे चमकती रहेगी, लेकिन क्या है कि उसकी भी एक लाइफ होती है, ठीक है ना, गम छूटने की, ठीक है। तो मेक श्योर आप ये काम कराओगे तो 1 महीने 10 महीने में 1 साल में 9 महीने 8 महीने जब मन करे जब आप चेंज कराओ, लेकिन करा लो, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने बाइक हमारे पास किस कंडीशन में आई थी, ठीक है जी। अभी जो है मैं हमने बाइक पूरी रेडी कर दी है, वो दिखाता हूँ हमने किस तरीके से काम करा है। बाइक में जो काम करा है वो एक नंबर हुआ है भाई, जो बात है मुझे पर्सनली पसंद आया। आप बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको काम। कंडीशन आपने देख ली थी बाइक की, किस कंडीशन में आई थी बाइक हमारे पास। अब मैं आपको दिखाता हूँ किस कंडीशन में यहाँ से जा रही है, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। तो दोस्तों बाइक पर नजर मारेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जो है काया पलट हो गई, मतलब आई कैसी थी और जा कैसी रही है, देख सकते हैं आप, पूरी नेक्स्ट टू न्यू हो चुकी है, ठीक है। इसमें काम क्या क्या हुआ है आपको मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप बाइक को अच्छे से देख लो, ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके काम की। तो सबसे पहले जो मेन काम हुआ है वो हुआ है भाई, इसके अंदर पूरी की पूरी जो है ना ग्लॉसी हुई है टेप, देख सकते हैं आप। यहाँ पे ग्लॉस मिलेगा आपको, फ्रंट फेंडर में मिल जाएगा हाफ, ठीक है। टैंक देख सकते हैं आप, पूरा ग्लॉस करा है। उसके बाद जो है क्लासिक वाली लाइनिंग यहाँ पे लगाई गई है, जो कि रहने वाली रेडियम। मैं आपको दिखाया था कुछ किस तरीके से ये दिखेगी, ये देखो ये हाईलाइट हो रही है, ये देखो दोस्तों, जब जब इस पर रोशनी पड़ेगी तो ये हाईलाइट होगी, ठीक है, और जब इस पर रोशनी नहीं पड़ेगी तो ये ऐसे डल पड़ जाएगी। तो बेसिकली ये रेडियम रहने वाला है, नीचे ग्लॉस रहने वाला है, क्लासिक वाला थीम रहेगा, देख सकते हैं पूरी कंप्लीट जो है ये ग्राफिक किट जो है खुद बनाता है गौरव, ठीक है। बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा ये काम, ठीक है जी। और बाकी साइड पैनल पे मिलेगी आपको थोड़ी सी लाइनिंग, टैंक पे मिलेगी और कहीं लाइनिंग देखने को नहीं मिलेगी। बाकी टेल पैनल जो है सारा का सारा जो है रैप करा गया, देख सकते हैं आप, ठीक है। ये काम हो गया, इसके अंदर सीट कवर लगा दिया, क्रोम की बिडिंग यहाँ पे आ गई, काफ़ी अच्छी लग रही जो बात है। बाकी कवर बहुत अच्छा रहेगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। फॉर्म पैड आ गया यहाँ पे, और इसके अंदर मेजर काम जो हुआ है वही हैंडल बार में हुआ है। हैंडल बार जो है वो रिप्लेस करके हमने 3 पीस वाला हैंडल बार डाला, देख सकते हैं आप, जो काफ़ी लुक को एनहेंस कर रहा है। साथ में स्पाइडर के ग्रिप डाले हमने, ठीक है जी। और क्या डाला गौरव? तो दोस्तों ये काम बाइक के अंदर हुआ है, बाकी बल्ब वगैरह पहले से लगा हुआ था। बाकी आप चाहते हो ये काम कराना तो आप यहाँ पे ला सकते हो, पूरी की पूरी बाइक जो है रैप हो जाएगी, इंडिकेटर में हजार फ्लैश लग जाएंगे। अगर शीशे आपको मतलब स्टॉक वाले जो आते हैं कंपनी वो रिप्लेस कराने वो भी हो जाएंगे, कंप्लीट चेंज कराना है वो भी हो जाएगा। बाकी रोप मिल जाएगी हमारे पास, ठीक है। बाकी पेंट वर्क भी पूरा पूरा होता है। तो मतलब आप यहाँ पे लेके आओगे बाइक, कैसी भी कंडीशन में ले आओ ऐसी कंडीशन बना के देंगे, इससे भी बेटर बना देंगे। अगर इसके अंदर ये लाइट रिप्लेस होकर इनमें से कोई एक लाइट लग जाती तो और मज़ा आता, बट अभी जो है फिलहाल ऐसी लेके जाएगा भाई अपना, ठीक है जी। बाकी आप बताना कॉमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये बाइक, कैसा लगा ये काम, ठीक है। टोटल एस्टिमेट पता कर लेते हैं गौरव से। तो गौरव ये बताओ इस बाइक के अंदर टोटल खर्चा कितना आ गया भाई? 2650 में हम कर रहे हैं पूरी गाड़ी ग्लॉसी ब्लैक, हाँ भाई। उसमें लाइनिंग काम कर रहे हैं,
सीट के ऊपर जो क्रोमी बिल्डिंग है ठीक है, और वो हो गया अपना हैंडल बार हो गया ठीक है। तो भाई 2650 रुपए का एस्टिमेट टोटल है। इसमें हम आपको ऑफर भी दे देंगे, आपको माइक्रो फाइबर क्लॉक भी दे देंगे, एक किचन दे देंगे और रबड़ रबड़ दे देंगे और कुछ भाई यही है ना। तो ऑफर जो 2000 रुपए का वो तो चल ही रहा है, हमारा चलता रहेगा, बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी ऑफर लेके आएंगे। और ऑफर ऑफर चाहिए तो बताना कमेंट सेक्शन में, उसके लिए हम नया एक आपके लिए वो लेके आएंगे, क्या बोलते हैं न्यू ईयर के लिए ऑफर निकाल देंगे। उसमें ये होगा भाई नई सेल पर बंदा बाइक खरीदता है या फिर उस बाइक को एक तरह से ऐसे लाकर जो है रेनोवेट कराता है, मैं समझते हो ना, अपग्रेड करा रहा बाइक को, लेके आ रहा बिल्कुल मरी गरी सी बाइक लेके जा रहा था बढ़िया बम बनवा के, तो एक अच्छा ऑफर निकाल देंगे आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हमारे पास कंप्लीट ग्राफिक किट मिल जाएगी, जैसे गौरव यहाँ पर रखा हुआ है इस पर ये मिल जाएगी, और एक्सटेक वाली किट मिल जाएगी यहाँ पर, जितनी भी आपको किट कोई सी भी मतलब बाइक की किट चाहिए वो मिल जाएगी, हमारे कोई भी कमी नहीं है किसी चीज़ में ठीक है। अगर आपको हैंडमेड किट चाहिए तो वो मिल जाएगी, कंपनी से बन के जो किट आती है जैसे कि यहाँ पर, तो ये मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप यहाँ बाइक लेकर आओ, काम करवाओ ठीक है जी। तो इसी नोट वीडियो को एंड करते हैं, अच्छी लगी वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।